नमस्कार, आज की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रशांत सिंह। मैं अमर शहीदों का चारण, उनके यश गाया करता हूं। जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है, मैं उसे चुकाया करता हूं। राष्ट्रकवि श्री कृष्ण सरल जी की इन पंक्तियों के साथ ही आज की आवाज़ परिवार विंद माटी के लाल अमर बलिदानी स्वर्गीय धीरेन्द्र त्रिपाठी को अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित करता है। चरणों में कोटि कोटि नमन करता है सतना के शेर सीआरपीएफ के जवान श्री रामकलेश त्रिपाठी जी के, जिन्होंने अपने बुढ़ापे की लाठी, आंखों के तारे, इकलौते सुपुत्र को मातृभूमि पर हंसते हंसते न्यौछावर कर दिया। नमन है उस वीर माता को जिसकी गोद सूनी हो गई ताकि भारत माता की गोदी हरी भरी बनी रहे। नमन है उस वीर वधु को जिसकी मांग का सिंदूर देश की सुरक्षा करते हुए अमर हो गया। नमन है उस वीर पुत्र को जो 3 वर्ष की अल्प अवस्था में ही अपने पिता को अंतिम प्रणाम कर रहा है। उसे जीवन मृत्यु बलिदान जैसी कोई जानकारी नहीं। धन है वो गांव, वो धरती, वो कुल जिसमें धीरेन्द्र त्रिपाठी ने जन्म लेकर पावन कर दिया। नम आंखों से प्रस्तुत है अमर बलिदानी स्वर्गीय धीरेन्द्र त्रिपाठी की अंतिम यात्रा पर आज की आवाज की विस्तृत रिपोर्ट। हिमालय की बुलंदियों से आवाज आई है, कहो माओ से बेटे, कहो बहनों से, कह दे भाई। देश प्रेम की क्षमा पर आज फिर एक परवाना कुर्बान हो गया, अपनी वीरता के किस्से यादों में छोड़कर पंचतत्व में विलीन हो गया। सतना के लाल धीरेन्द्र त्रिपाठी को आज गार्ड ऑफ ऑनर के साथ पवित्र अग्नि के सुपुर्द किया गया। इदम राष्ट्रः इदम न मम की भावना के साथ पीछे रह गया बिलखता परिवार। प्रेरणा देने वाले किस्से, सुनहरी यादें, बलिदान पर गर्व करने को 7.5 करोड़ प्रदेशवासी। श्रीनगर के पुलवामा में आतंकी हमले में वीरगति को प्राप्त हुए सतना के लाल अमर शहीद धीरेन्द्र त्रिपाठी को नम आंखों, गर्व से तने मस्तक और गार्ड ऑफ ऑनर के साथ अंतिम विदाई दी गई। मंगलवार की रात से ही सतना जिले के ग्राम पड़िया में मातम पसर गया था। गांव का लाडला बेटा धीरेन्द्र त्रिपाठी के बलिदान की खबरें गांव की गलियों में घूम रही थी। जिसने भी सुना भीगी पलकों के साथ शहीद के घर की तरफ दौड़ पड़ा। देर शाम तक गाँव में बलिदानी वीर की अगवानी की तैयारियों के लिए प्रशासनिक अमला जुटने लगा। शहीद की माँ बहन और पत्नी का करुण क्रंदन पूरे गांव में रह रहकर गूंजता रहा। पूरे गांव में किसी के घर चूल्हा तक नहीं जला। गांव इतना दुर्गम है कि वहां पहुंचने के लिए रात भर जेसीबी चलवानी पड़ी। सुबह होते होते जिले भर से देश प्रेमियों का काफिला पड़िया के लाल को श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ने लगा। 3 दिन पहले सोमवार को श्रीनगर के पुलवामा में पेट्रोलिंग के दौरान सीआरपीएफ के गश्ती दल पर एक आतंकियों ने घात लगाकर हमला कर दिया था। क्रॉस फायरिंग में सीआरपीएफ के 5 जवान घायल हो गए थे, जिनमें से इलाज के दौरान 2 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए। उनमें से 1 जवान उत्तर प्रदेश के रायबरेली के शैलेंद्र सिंह थे, तो दूसरे सतना जिले के पड़िया निवासी धीरेन्द्र त्रिपाठी। अमर शहीद धीरेन्द्र त्रिपाठी का पार्थिव शरीर सेना के विशेष विमान से लखनऊ लाया गया। वहां से सड़क मार्ग से उनके गृहग्राम तक बुधवार सुबह पहुंचा। रास्ते भर शहीद को अंतिम विदाई देने के लिए लोगों की भीड़ सड़क के दोनों ओर उमड़ती रही। जगह जगह लोगों ने फूलमालाओं के साथ श्रद्धांजलि अर्पित की। गांव पहुंचते ही बलिदानी वीर के अंतिम दर्शनों के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा, जिसे प्रशासन ने बमुश्किल संभाला। शहीद की पार्थिव देह को देखते ही माँ बहन और पत्नी अचेत होकर गिर गईं।
वहां खड़े लोगों की आंखों से आंसुओं की धार बह निकली जब सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान को देखते ही शहीद की मां उर्मिला देवी वीरा रे कहकर उनसे लिपट गई। मुख्यमंत्री ने खुद को संभाला और शोक संतप्त बहन को गले लगाकर सांत्वना देने की कोशिश की। शहीद की पत्नी साधना देवी का रो रो कर बुरा हाल था। उनकी मांग का सिंदूर उजड़ चुका था। 7 जन्मों तक साथ निभाने वाले केसरिया बाना पहनकर तिरंगे में लिपटा हुआ था। बहन रेणु भी बार बार भैया भैया बोलकर संज्ञाहीन हो रही थी। शहीद का 3 वर्षीय अबोध बालक कान्हा इतनी सारी भीड़ और परिजनों को बिलखते देखकर हैरान परेशान था। उसने चाचा की गोद से ही अपने पिता को दोनों हाथ जोड़कर अंतिम विदाई दी। चचेरे भाई ने स्वर्गीय धीरेन त्रिपाठी को मुखाग्नि देकर परमपिता की गोद में समर्पित कर दिया। बलिदानी वीर के पिता रामकलेश त्रिपाठी भी CRPF में सूबेदार के पद पर बालाघाट में तैनात हैं। आज एक सैनिक ने अपने पुत्र को मातृभूमि पर बलिदान करके सर्वोच्च त्याग का उदाहरण प्रस्तुत किया है। आज की आवाज परिवार इस वीर और बलिदानी परिवार को नमन करता है। अंतिम विदाई की बेला में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मंत्री विश्वास सारंग, राम खिलावन पटेल, रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा, पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला सहित जिले के अन्य विधायक और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। CRPF के IG PK पांडे भी अपने बहादुर सैनिक को आखिरी सलामी देने पहुंचे। हजारों की संख्या में जनसैलाब भी मौजूद था। मुख्यमंत्री ने बलिदानी परिवार को 1 करोड़ की सम्मान निधि, वीरवधि पत्नियों को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की। वीर की गाथा को चिरस्थायी बनाने के लिए स्वर्गीय धीरेन त्रिपाठी की भव्य प्रतिमा गांव में स्थापित करने, शासकीय विद्यालय और पहुंच मार्ग का नाम शहीद के नाम पर रखने का आश्वासन भी दिया गया। मध्य प्रदेश धन्य है और वो माता पिता धन्य हैं जिन्होंने धीरेन्द्र त्रिपाठी जी जैसे पुत्र को जन्म दिया। पिताजी स्वयं CRPF में रहकर देश की सेवा कर रहे हैं और उसी परंपरा का अनुसरण करते हुए अमर शहीद धीरेन्द्र त्रिपाठी जी ने भारत माता की सीमाओं की सुरक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। आतंकवाद से जूझते हुए वो इस दुनिया से चले गए हैं। ऐसे अमर शहीद के चरणों में मैं मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता की ओर से श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। एक बेटा है, पत्नी, माता पिता सबको वो छोड़कर गए हैं। हम उनको वापस नहीं ला सकते लेकिन उनकी स्मृति सदैव बनी रहे इसके हर संभव प्रयास करेंगे और अपनी उस बहन को जिसके पति नहीं रहे वह केवल पड़िया की बेटी नहीं पूरे मध्य प्रदेश की बेटी है। हम उस परिवार के साथ खड़े हैं और अमर शहीद परिवार को श्रद्धा निधि के रूप में 1 करोड़ रुपए की राशि उनको वापस नहीं ला सकते लेकिन श्रद्धा और सम्मान निधि के रूप में भेंट करेंगे राज्य शासन की ओर से। परिजनों से चर्चा करके
बेटी अगर शासकीय सेवा में जैसा परिवार तय करेगा जाना चाहेंगी तो शासकीय सेवा में उनको स्थान दिया जाएगा, नियुक्ति दी जाएगी। और धीरेन्द्र जी की स्मृति बनाए रखने के लिए उनकी प्रतिमा की स्थापना करेंगे, जो उपयुक्त स्थान पर ग्रामवासी, सांसद जी, विधायक जी और परिजन सब तय करेंगे। जितिन नायडू पटेल उनके नाम पर संस्थान का नाम भी रखा जाएगा, हम चर्चा करके तय करेंगे। जितिन पटेल मैं उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ। भारत माता के सच्चे सपूत पर हम सबको गर्व है, उनको प्रणाम।